प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा बीजेपी विधायक दल की एक बैठक हुई। बैठक में हरियाणा बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का स्वागत किया गया। बता दें कि इस दौरान बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला भी मौजूद रहे। बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, जेपी दलाल, मूलचंद शर्मा समेत बीजेपी कोटे के सभी मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी की इस यात्रा में हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पदभार संभाला है। सीएम ने कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ विधिवत रूप से पदभार 23 तारीख को संभालेंगे। विधायक दल की तरफ से इनका स्वागत किया गया है। एक जो नया विषय और जुड़ा है उसमें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, इन्होंने पदभार संभाला है। विधिवत 23 तारीख को पार्टी का पदभार रोहतक जाकर के संभालेंगे, लेकिन आज विधायक दल की ओर से हमने मिलकर के इनका स्वागत किया है, इनको बधाई दी है, इनको शुभकामना दी है। और विचार विमर्श में निश्चित रूप से बात आई है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, सरकार में एक जो तालमेल होता है, एक जो फीडबैक होता है, जैसा पहले चल रहा है उसमें और अच्छा आगे गति से चले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते से एक परंपरा है कि 3-3 वर्ष के 2 कार्यकाल के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष, अगर नया अध्यक्ष, हर लेवल पर अध्यक्षों की नई चुनाव अथवा नियुक्ति होती है, तो उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के 12वें अध्यक्ष के नाते श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ ने कार्यभार संभाला है, तो इनको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बीजेपी संगठन और सरकार में तालमेल पहले जैसा चल रहा है और अच्छा चले। सीएम खट्टर ने कहा कि विधायक दल की बैठक में बड़ौदा उपचुनाव, पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव पर भी चर्चा हुई। राजनीतिक पार्टी के नाते जितने भी कार्यक्रम आते हैं वह चुनौती ही होते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव, नगर पालिका, नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव होने हैं। पिछली सरकार में दिन ब दिन बीजेपी ने कई चुनाव जीते हैं और हमेशा ही परफॉर्मेंस को बढ़ाया है, जिसके चलते आज बीजेपी हरियाणा और देश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, राजनीतिक पार्टी के नाते से जितने भी ऐसे कार्यक्रम आते हैं सभी अपने आप में चुनौती होते हैं। अब निकट भविष्य में बड़ौदा का उपचुनाव आ रहा है, पंचायतों का चुनाव है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव है। पिछले 6 वर्ष में भी लगातार हमने 2 लोकसभा के चुनाव, 2 विधानसभा के चुनाव, पंचायतों के चुनाव और जींद का बाय इलेक्शन, नगर निगमों के चुनाव, कितने चुनाव आए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। और आज आपने देखा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सब पार्टियों से बड़ा दल है। देश में भारतीय जनता पार्टी का काम सब पार्टियों से बड़ा है, और न केवल देश में, प्रदेश में, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन गई है। इसको हम सब मिलकर के आगे बढ़ें। किसानों के मुद्दे पर हुड्डा के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में सरकार की तरफ से जो अध्यादेश किसानों के लिए लाया गया है उस पर विपक्ष के लोगों को जब ज्ञान कम होता है और अल्प ज्ञान होता है तो ऐसी बातें करते हैं। विपक्ष के लोगों को जब चीजों की ज्ञान कम होता है, अल्प ज्ञानी जो लोग होते हैं इसी प्रकार से बातचीत करते हैं। आखिर जब ये कह दिया है कि MSP लगातार जारी रहेगा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कह दिया, हमने यहाँ से कह दिया, तो उनकी शंका का समाधान करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि जो उनको बता सके। हम जब उन्हें कह दिया कि MSP लगातार जारी रहेगी, हाँ MSP से ज़्यादा यदि भाव किसी को मिलता है और मंडी से बाहर मिलता है, जो पहले मंडी के अंदर बेचने की बाध्यता होती थी किसान की, उसको अब स्वतंत्रता मिल गई है कि मंडी के बाहर भी वो बेच सकता है। तो ये स्वतंत्रता ज़्यादा अच्छी है कि बाध्यता ज़्यादा अच्छी है? किसान को स्वतंत्रता चाहिए, वो मंडी से बाहर कहीं भी बेच सकता है, और अपनी फसल को बेचने से पहले, यानी बोने से पहले भी अगर किसी से वो करार करना चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है कि उसकी सारी फसल कोई भी एजेंसी, कोई भी व्यापारी, कोई भी समूह उसको खरीद सकता है।
तो किसान का जिसमें लाभ है, किसान को वो काम करने के लिए छूट दे दी गई है, और इन किसानों को सबको बताने समझाने के लिए हमने सरकार की ओर से एक योजना भी बताई है कि हम किसान मित्र योजना बनाएंगे, जिसमें 17,000 किसान मित्रों को 17,00,000 किसानों को बताने के लिए, उनको इस विषय की एक प्रकार से जानकारी देने के लिए हमारा किसान मित्र योजना का जो कार्यक्रम है ये सफल। वहीं इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री और विधायक दल का आभार जताता हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो मौका किसानों को सीधे माल बेचने का दिया है, मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूं, क्या किसान अपने फल सब्जियां सड़क किनारे ना बेचें? क्या वह इसके खिलाफ हैं? जब बड़ी कंपनियां किसानों की सारी फसल खरीद लेगी तो क्या ये एक किसान विरोधी फैसला है? उन्होंने कहा कि यह डायरेक्ट मार्केटिंग का मौका दिया गया है। हरियाणा सरकार MSP पर सारी फसलें खरीद रही है। मुख्यमंत्री जी ने किसानों को सीधे अपना माल बेचने की दी है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या ट्रैक्टर में ट्रॉली में रख के किसान अपना प्याज सड़क के किनारे नहीं बेचे? क्या अपने टमाटर नहीं बेचें? क्या अपनी सब्जियां नहीं बेचें? क्या उनको वो खिलाफ हैं? अगर मेरे खेत में रिलायंस फ्रेश वाला, बिग बास्केट वाला, बिग बाजार वाला कहता है कि आपकी सारी गाजर मैं ले लूँगा, आपके सारे अमरूद मैं ले लूँगा, सारे टमाटर मैं ले लूँगा, तो क्या वो नहीं उनको दें? वो गुमराह करने का प्रयास नहीं करें। ये एक अवसर दिया है किसान को डायरेक्ट मार्केटिंग का, FPOs को डायरेक्ट मार्केटिंग का, किसान को डायरेक्ट मार्केटिंग का। हमारे यहाँ दुजाना में बावरिया समाज के लोग प्याज बेचते हैं, अगर उनको मंडी में आके बेचने पड़े तो 1 करोड़ की दुकान खरीदनी पड़ेगी, आढ़त का लाइसेंस अलग से लेना पड़ेगा, 20 लाइसेंस अलग से लेने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने उनको आज़ाद कर दिया है कि वो प्याज ले सकते हैं और प्याज बेच सकते हैं। और दूसरी गारंटी तो हरियाणा सरकार से तगड़ी किसी ने दी ही नहीं आज तक, कि बाजरा खरीद कर, सरसों खरीद कर, MSP पे हर फसल खरीद करके सबसे बेस्ट अगर हरियाणा में ने किया है पूरे देश में, तो इस सरकार ने किया है हर चीज़ की खरीद करके। इसलिए वो डायरेक्ट मार्केटिंग का जो अवसर एक किसान को दिया है, जो अपनी सब्जियां, फल, अपना कोई भी जो सामान है कहीं भी खड़ा होकर बेचने का जो अवसर दिया, ये किसान के लिए एक मौका है, एक अतिरिक्त मौका है, और पुराना सिस्टम जो है वो जो का त्यों है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस के लिए चुनौती है और बीजेपी के लिए अवसर। कांग्रेस का प्रतिनिधि चला गया, उनके लिए चैलेंज है, बीजेपी के लिए तो ये एक अवसर है। लोग समझ चुके हैं कि 6 साल का कार्यकाल देखकर निश्चित तौर पर बड़ौदा के लोग वहां का नेतृत्व कांग्रेस छोड़ रहा है। बीजेपी बड़ौदा के विकास के लिए कटिबद्ध है। सरकार और संगठन के तालमेल पर प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ ने कहा कि सरकार संगठन का बेहतर तालमेल होगा और साथ काम करने का अवसर मिला है, अपना अपना बेस्ट देने का संकल्प लिया गया है। जो आप बड़ौदा की चुनौती कह रहे हो, मैं कहूँगा कृष्ण हुड्डा कांग्रेस के थे, हुड्डा साहब के थे, चुनौती कांग्रेस के लिए है, अवसर बीजेपी के लिए है, क्योंकि वो उन्होंने खोया है अपना, उनके उनके यहाँ का प्रतिनिधि चला गया है। हमारे लिए तो वो अवसर है, उनके लिए चैलेंज है बचा पाने का, उनके लिए चुनौती है, बीजेपी के लिए एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी बनी है। पहले भी 6,000 वोट से पीछे रहे थे, और अब जिस लोगों ने समझ लिया है कि 6 साल का अपोजिशन देखकर बड़ौदा की जो हालत है मैं दौरा करके आया हूँ, निश्चित रूप से बड़ौदा के लोग मन बना रहे हैं कि इस अपोजिशन के मारे थारे के उसमें नारे में कुछ नहीं पड़ा, बहुत देख लिया। कांग्रेस के तो सब लोग टूट टूट के आ रहे हैं, कांग्रेस के तो खुद ऐसी हालत हो रही है कि उनके लोग लिख रहे हैं कि कांग्रेस डिप्रेशन में जा रही है ऊपर से, और इसलिए कहते हैं कुंठा में कितने दिन रह सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के लोगों के वाक्यांश सोशल मीडिया पर आप सबने देखे, और इसलिए वहाँ का युवा नेतृत्व वहाँ से निकल रहा है। चुनौती कांग्रेस के लिए है और बीजेपी बड़ौदा के विकास के लिए कटिबद्ध है, तो इसलिए जो रास्ता सरकार ने बनाया है और जो मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर आह्वान है कि संगठन और सरकार का बेहतरतम तालमेल, तो वर्षों तक हम दोनों को साथ काम करने का अवसर मिला है, साथ पर्यटन करने के अवसर भी हमारे बहुत रहे हैं, एक दूसरे के स्वभाव को, एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हुए अपना अपना बेस्ट देने के संकल्प के साथ विधायक दल, सरकार और संगठन जन सेवा में बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम करेंगे। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज है और हर राजनीतिक दल बड़ौदा उपचुनाव में अपनी जीत का दावा भी ठोक रहा है, लेकिन साहब ये तो जनता के फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर कौन इस चुनाव में जीत हासिल करता है। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।